मौत के मुंह में जाते हुए खतरे की लड़ाई। फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में एडवेंचर ना हो तो जिंदगी का कोई मजा नहीं। देख सकते हैं कितनी हाइट पे हम फिलहाल और क्या कर रहे हैं। रास्ता खुल गया। हेलो गाइस, ये है आज का हमारा पहला व्लॉग और आज हम जा रहे हैं शिमला। पैकिंग हो गई है, पूरा भर दिया गाड़ी को पीछे से और भाई हम सारे तैयार हो गए हैं। हाय फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी इधर खड़ी है, कैमरामैन सब रेडी हो गए हैं। हाय हाय गाइस, भाई अभी निकल रहे हैं फिलहाल घर से और दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो फिर आपसे रास्ते में निकल के बात करते हैं। निकल चुके हैं तो मेरे साथ समर बैठा है पीछे। Your rocks, man. Your rocks. ये और भाई अभी हम निकल रहे हैं, बस निकल के बात करते हैं रास्ते में। ये देख लो भाई, सबसे लेट तो आई थी भाई, हमको लेट करवा दिया था। अभी तक देख लो मेकअप नहीं पूरा हुआ है भाई। भाई मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो प्लान था निकलने का, हमारा 10 बजे का था, अभी 1 बज गया सारा, क्योंकि हम तो रेडी हो गए थे। बॉयज का तो आपको पता है 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं, और इनका देखो अभी तक नेल पॉलिश, गाड़ी में भी मेकअप चल रहा है। तो भाई लड़कियों को आपको पता ही है, लेट करवा दिया जीने हमें। और भाई अभी आपको दिखाता हूँ हमने गाड़ी रोकी हुई है, पता क्यों? क्योंकि भाई अभी हमारे में से जो मेन हमारा प्रोड्यूसर है ना, वो दवाई लेने गया, ठंड की दवाई। आपको दिखाता हूँ कौन सी दवाई। भाई देख लो भाई, समझ रहे हो? समझ रहे हैं। अभी पेट्रोल फिल करवा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी, और अभी खड़े हैं यहाँ पे। भाई पेट्रोल फुल बोल दिया, कभी फुल होना चाहिए, थोड़ा सा भी कम नहीं रहना चाहिए। ये देखो भाई, पढ़ाई 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 कितनी जरूरी है, पढ़ाई। ये देखो रास्ते में भी पढ़ाई, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। देख रहे हो भाई कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। और भाई अभी हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, और हाँ अच्छा उधर से मिलेगा। हाँ जो भी लेना है देख लो, सबका एक साथ। हाँ तो फ्रेंड्स, पिछले आधे घंटे से हम संघर्ष कर रहे हैं एक क्रेटा को ओवरटेक करने के लिए, पर अभी वो हो नहीं पा रहा है। एक बार 5 मीटर उससे आगे निकले थे, पर अभी वो दोबारा हमसे आगे जा चुका है। और हम लगभग 10 टोल क्रॉस कर चुके हैं, हमें एक भी टोल पे पैसे नहीं देने पड़े, ओनली बिकॉज ऑफ फार्मर्स। ये टोल वी शुड सपोर्ट फार्मर्स। देखिए अभी उनकी वजह से सारे टोल फ्री है, बिल्कुल। आई थिंक नियर अबाउट 2,500 या 3,000 हमारे लग जाते टोल। तो फ्रेंड्स अभी हमने अपने टारगेट को चेंज कर लिया, जैसा कि आपको हमारे कैमरा मैन ने बताया। ये फार्मर्स इधर देखिए, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो गाइस अब हमारी रेस में कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं रहा, हम सभी को इतना पीछे छोड़ के आ चुके हैं कि वो हमें चाहकर भी नहीं पकड़ सकते। हम बहुत आगे निकल चुके हैं, हमने वो बटन दबा दिया था। सोलन पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स हम, टाइम रात के 11 बज चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है हमें ट्रेवल करते हुए। वी आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, और अभी हम किसी होटल को ढूंढ रहे हैं जहां हम रात को स्टे कर सकें। और बहुत भूंडा जाड़ा हो रहा है, बहुत भूंडा जाड़ा है यहाँ पे, मतलब देख के उल्टी आ गई, बिल्कुल जाड़े को देख के बिल्कुल रीट बह रहा है। और इधर हम बालकनी में खड़े हैं अपने क्रू के साथ, और मैं तो आपको दिखूंगा नहीं जैसे कि हमेशा ही होता है। और ये इधर हम नीचे खाई को देख रहे हैं अभी, और ये सामने घरों में लाइट जल रही है। सुबह दिखाएंगे, हम भी एक्साइटेड हैं सुबह कैसा होगा यहाँ पे नजारा। गाइस 7,000 का कमरा लिया है, रूरा रोड तोड़ लिया, 8,000 के उड़े वसूल कर लिया मैंने तो। 1,000 का पेट्रोल का जो खर्चा हुआ था वो भी वसूल पेट्रोल और काट लिया मैंने तो। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे तारे पास आ गए, अभी पकड़ लिए उन्हें, तारे जमीन पर आ गए, तारे जमीन पर, ऐसा लग रहा है एक जंप और तारे हाथ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? जाड़ा लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ठंड है यहाँ पे, हमारा कम्बल से निकल के बाहर घूमने का मन ही नहीं कर रहा। फ्रेंड्स क्या सारे भैया ने राम राम, शास्त्रीय काल, आदाब, कालू भाई की तरफ तो राम राम। तड़के के 6 बज रहे हैं, बुंडा पाला पड़न लाग रहा है भाई, हाथा की कति बर्फ बन रही है। एडिटिंग का काम मेरे तो दे रखा है,
सारे काम वाम पड़े हैं, धूप के तड़के 4 बजे का लाग रहा हूँ। फिर भी नहीं हुई 4 बजे का लगा हुआ है। सुबह हो चुकी है और जैसे कि रात को आपको प्रॉमिस किया था, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ की सीनरी कैसी है हमारे रूम की बालकनी से। सो आर यू रेडी फॉर इट? रामपत की शक्ल देखते हुए हम नजारा देखना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। भाई बिल्कुल कोहरा ही कोहरा था यहाँ, सुबह कुछ दिख नहीं रहा था। हम वादियों में आ चुके हैं यहाँ पे। रामपत, नजारा देख के कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बादल, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं नहीं, गांव वालों या तो मेरा ब्याह करवा दो, तुम्हारा अंडा मरूंगा। निकल चुके हैं, बैग पैक कर लिया है और ये पीछे ये देखो भाई, सारा सामान आ रहा है। और भाई अभी हम जहाँ पे होटल पर रुके थे, तो ये भाई इनका यहाँ पे होटल था, बहुत अच्छी सर्विस थी भाई, बड़ा अच्छा होटल है। अगर आप कभी विजिट करते हैं तो यहाँ पे आए, प्लीज यहाँ स्टे करें जरूर। आगे हमारी गाड़ी खड़ी है इधर की तरफ, पीछे हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी निकल रहे हैं भाई, अभी हम होटल से, तो यहाँ पे तो अभी बर्फ है नहीं, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, बर्फ है नहीं। तो फिर अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और देखते हैं ऊपर कहीं बर्फ मिलती है तो घोड़ों से सर फोड़ेंगे। वही फोड़ते हैं सर एक दूसरे के घोड़ों से। अरे फोटोशूट चल रहा है। तो अभी हम निकल चुके हैं बर्फ की ओर, बाय बाय सोलन। तो अभी हमने सोलन में स्टे किया था रात को, तो अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमें कहीं बर्फ मिले देखने को, उसी के लिए तलाश में भटक रहे हैं अंदर दर। और ये क्रू अभी खा रहा है हमारा खाना। ये मुंह बल गया और मुंह बलते हुए रामपत जी का मुंह बलते हुए देखते अभी क्या होता है। सब बेसब रहा था, जल्दी खा गया। खाओ खाओ, आगे मुंह खोल लो, खोलो खोलो। गाइस ऊपरी आ गए, अभी हम फुल चिल कर रहे हैं, अभी बर्फ ही बर्फ है, देख सकते हैं। मतलब अभी दिखेगी ये देखो, गाइस पहचान रहे हो ना मेरे को? लो पहचान, यहाँ की सुंदरता देखने को बन रही है गाइस। देखो देखो बोरी बर्फ, देखो देखो, ये तो बहुत थोड़ी है, अभी आगे जाके आपको यूं निला देंगे बर्फ में। भाई बहुत तगड़ी चढ़ाई है, हम बाद में भी सांस में रह जाएंगे। देख रहे हैं राय नहीं समझ यार, बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा, मतलब थक गया है कैसे, जोश आ रहा है क्या? जोश नहीं, पैरों में मतलब खून आना बंद हो गया। भाई अभी पेट पूजा करने के लिए रुके हैं और काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, सुकून मिल, धूप निकली हुई है, अभी खाना बन रहा है, फिर हम खाने को तोड़ते हैं। क्यों जनाब, क्या बोलते हो? हे गाइस, ऐसी तो नहीं, आप क्या बोलना चाहोगे? अरे कुछ तो बोलो, गो गेम और गो होम। ये तो मुझे समझ नहीं आया, इसीलिए तो बोला। आप क्या बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा, बहुत मजेदार। समर मिसिंग है, अभी कहीं गया है, कहाँ गया है? ढूंढो उसको, कहाँ? लड़ाइया तो नहीं कर रहा है? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लड़का समर भाई। ये बंदर वेट कर रहा है कब हम खाना मंगाए, अपनी कला का प्रदर्शन करे। अभी बाहर बैठ के नहीं खाते क्योंकि अभी बंदर छीन के ले जाते हैं। ये देखो गाइस, ये हमारा बॉडी बिल्डर। फ्रेंड्स मैं अब आपको दिखाऊंगी कि हम देखो कितनी सुंदर वादियां हैं, नेचर का बिल्कुल जो कहते हैं ना प्योर,
नेचर की प्योरिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे ठंड भी बहुत है। ये पूरा जंगल टाइप है बिल्कुल, और यहाँ पे मतलब कोई है नहीं, अभी एक इंसान मैंने नहीं देखा अभी यहाँ पे आया हुआ। आए होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आए, बट अभी हम हैं तो अभी तो कोई है नहीं, हमने तो किसी को देखा नहीं। ठंड में और हाइट पे चढ़ने की वजह से आपको मेरी सांसों की तेज तेज आवाज भी आ रही होगी। दोस्तों अभी हम आ गए हैं पहाड़ी पे, इधर फोटो शूट करवा रहे हैं और टीम पूरी साथ में है, आप देख सकते हो। तो भाई अभी हम पहाड़ी पे हैं और भाई बहुत चढ़ाई है, पता नहीं क्या मिला, नाम आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं। और कुछ फ्रेंड्स ये बूढ़े हो चुके हैं, मुझे देखिए अगर ब्रीदिंग जरा सी भी आपको दिखे तो बताना, जस्ट लेट मी नो। गो अगेन और गो होम, आई थिंक शी इज गोइंग होम। कीप कूल एंड वॉच आवर चैनल, स्टे फिट स्टे हेल्दी स्टे ट्यून्ड। कोच जी वेरी ग्रेट, मिसिंग यू। दोस्तों देखो ये टीम पूरी आ चुकी है, देखो सारा रास्ता कैसा है दोस्तों, खतरों से भरा हुआ। पर एक्चुअली हमें लगता है कि हम दूसरे रास्ते पे आ गए हैं, चाचा दिख नहीं रहे दूर दूर तक कहीं भी। वी हैव लॉस्ट आवर वे, वी कांट फाइंड इट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड। गाइस वो देख रहे हो गब्बर को, वही है। हाथ में तो आईफोन 11 ले रखे हैं, बनेंगे बाबा। ये अलक निरंजन दांत में मंजन, क्या बात करते हो तुम? अरे बाबा डरा दिए हो, आईफोन 11 लेके क्या तपस्या ना कर सकते हम? ना, क्योंकि ढोंगी बाबा के पास इतना इतना पैसा। हम साधु हैं साधु, क्या ही हमें भगवान से हमारा सीधा कॉन्टेक्ट इधर से ही होता है, इधर से सब व्हाइट जो व्हाइट था। हाँ बिल्कुल उसका। फ्रेंड्स हम हिल पे लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं, और देखिए हमें यहाँ क्या मिला, हमने क्या एक्सप्लोर किया यहाँ पे। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ जाट नहीं पहुंच सकता। कैन यू इमेजिन, वो यहाँ पे आके पार्टी करते हैं, ऐसा लगता है जैसे फार्म हाउस बनवाया उन्होंने। इधर बोन फायर की थी उन्होंने, पर हम स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज। बहुत गंदी बात है, प्लीज ऐसे ना फेंकिए, पीनी है पिए और अपने साथ लेके जाइए जैसे लेके आए थे। ये इन्हें एक्सप्लोर करने का पूरा क्रेडिट जाता है डाकू गब्बर सिंह को। दारू भाई आजा ऊपर भी लेके चलते हैं, दारू सेहत के लिए नशीली हानिकारक चीजें, इसको पी पी के खत्म करते हैं, आइए सपोर्ट अस। तो फ्रेंड्स अभी हम अंदर जा रहे हैं, इसमें ये 3 फ्लोर का है। देखिए फ्रेंड्स हम काफी ऊपर आ चुके हैं, अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे सबने अपने अपने नाम लिख रखे हैं। दीवारों को नीचे तक छत को भी भर रखा है, देख सकते हैं आप। ऐसा लगता है शायद हम 10,000 फीट आ चुके हैं, और यहाँ से हमें स्नो कवर्ड ग्लेशियर्स बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, पेड़ों के बिल्कुल टॉप तक आ चुके हैं, बहुत ज्यादा हीट पे हैं फिलहाल हम। तो हम वापस चल चुके हैं ऊपर, उस 3 मंजिला घर में घूम घाम के नीचे उतर रहे हैं हम सारे। दोस्तों हम जिस चीज की तलाश में यहाँ आए थे वो अब हमें मिल चुकी है, जो कि है बर्फ। हाँ वो आप ना आपके देख लो 2 किलो 3 किलो, मगर हाँ इसमें जा भी नहीं सकते, नीचे उतरे तो फिसल जाएंगे और फिर डायरेक्ट नीचे तो नहीं ऊपर ही जाएंगे। तो देखो गाइस हम रास्ता भूल गए थे, तो हमें रोड दिखा तो हम डायरेक्ट रोड पे उतर रहे हैं, अब संभल संभल के चलना पड़ रहा है, नहीं तो फिसल जाएंगे। आराम से बड़ी आराम से चलना पड़ रहा है। फाइनली रामपथ पहुंच चुके हैं नीचे, और जैसे कि आपको पता है कि हम जीत चुके हैं, सबसे पहले मैं आया हूँ, हार तो हमें मंजूर ही नहीं है गाइस। सेकंड थर्ड, और उनका तो पता ही नहीं है भाई कितनी दूर है, नजर ही नहीं आ रही।
और मैं सबसे ज्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, व्लॉग बना रहा था, थोड़ा दिखा रहा था कैसे, इसलिए सबसे ज्यादा लेट हो गया मैं। तो फ्रेंड्स को बताओ कैसे लगा आज बर्फ में? बर्फ तो 2-2.5 किलो के करीब थी, इसलिए तो हमारे प्रेफरेंस होती है, बाकी हमें मतलब ट्रैकिंग करके बड़ा अच्छा लगा, बाकी हमें एंजॉय करना आता है, वी लव द ट्रैकिंग, बाकी हमें एंजॉय करना आता है, बाकी बहुत ही मजा आया जंगल में घूम के और तरह तरह के पेड़ पौधे देख के, बहुत सबसे ज्यादा मजा आया खतरों में खेल के क्योंकि वहाँ फिसलना रास्ता था बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स अगर जिंदगी में एडवेंचर ना हो तो जिंदगी का कोई मजा नहीं। देख सकते हैं कितनी हाइट पे हम फिलहाल और क्या कर रहे हैं। ये रास्ता खुल गया। कौन खिंचता दातुन पैर मटक चालू। आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे नाना नानी मासी को कहीं से लेके आए थे, जैसे किसी मदारी करने के लिए। यहाँ पे कुछ है नहीं तो अभी देखिए, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, शायद मैं कोशिश में कामयाब हो जाऊँ। वैसे उतरने के लिए देखो जगह नहीं है। बी केयरफुल, डोंट ट्राई दिस एट होम और एनीवेयर एल्स, क्योंकि ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। यो चलो सब, और ये मौत के मुंह में जाते हुए खतरों के खिलाड़ी, सब कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि आप शॉक हो जाओगे। अब देखिए मेरी स्पीड, दोस्तों देखो ये हमारे थे, इधर एक एक्सीडेंट हो गया जो बहुत ही मतलब दुखदायक है हमारे लिए भी। इनमें एक लेडीज को चोट आई है और अभी हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाई है। देखिए बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, ये पूरा एयर बैग्स वगैरह भी खुल गए हैं, बहुत दिक्कत हो गई है और थोड़ा इसमें डैमेज भी ज्यादा हो गया है गाड़ी में। ये देखिए सडनली जस्ट अभी वो हुआ है। छाती खड़े हो सीमा पे, कुछ मन सोचा कि तूफान डट जा सके। बड़ी यार आता जी तो बेटा भाई, दिन के 2 बजे चले थे, रात के 2 बज गए हैं, पूरे 12 घंटे से सफर कर रहे हैं भाई, काफी मजा आ रहा है। रास्ते में रुकते फिरते चले हैं और भाई रास्ते में कुछ किसान भी मिले तो और भाई अपना देखो दिख रहा होगा कंबल कुम्बल ओढ़ रहे हो भाई, कभी ज्यादा हो रहा है कभी छकवा भाई, बाहर पूरा अंधेरा हो रहा है। सही लॉन्ग ड्राइव होगी, पूरा ट्रिप हो गया भाई, और भाई जी से आ गया कभी माँ की सुन।
गाइस कुकड़ी जम गई है और फिलहाल अभी हम आ गए हैं घर के पास। तो इसी के साथ खत्म हुआ। हाँ, इसी के साथ हम अपना व्लॉग खत्म करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।